और मध्य वर्ग उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम स्वीकार हो। ताली मारते रहे। हमारे विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत माननीय विधायक जी कर रहे हैं। ताली मारिए मिथिला के आप लोग हैं, मारिए जोर से ताली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। संबोधन में नीतीश कुमार ने अपने किए गए कार्यों को गिनाते हुए फिर से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। वर्तमान में विभूतिपुर से राम बालक सिंह विधायक हैं। मौके पर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया और विधायक राम बालक सिंह को फिर से वोट देकर जिताने की लोगों से अपील की। मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबीएन न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है और यहां सिंधिया के मैदान में जो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र है, भारत जी का विधानसभा क्षेत्र है और यहां पे आप देख रहे हैं इसलिए एक ही आग्रह करेंगे, समाज में टकराव पैदा करने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भाव आपस में रहे, मिलजुल कर काम करें। बहुत लोगों को चक्कर में रहता है कि झगड़ा चलता रहे, और जब झगड़ा चलेगा तो विकास का कोई मतलब नहीं है, और झगड़ा चलेगा तो दो झगड़ेगा तो एक को साथ ले लेंगे। हम लोग चाहते हैं कोई झगड़ा ना हो, मिलकर काम करें, साथ आगे बढ़े। तो उसको आगे करने के लिए भाई राम बालक जी जैसे व्यक्ति को पुनः जिताना बहुत जरूरी है और फिर से एनडीए को आगे काम करने का मौका देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या उम्मीद करें, बोलिए। अरे राम बालक जी को जिताइएगा ना, हाथ उठाके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।